सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की ग्रुफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सर हम करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ, जहां पे सवाल ये था कि अगर आपको एक नया फोन लेना है 50,000 के ऊपर प्राइस में आपको लेना है तो आप कौन सा ब्रांड लेंगे। तो बोला है 69% ने हम लेंगे एप्पल वाला आईफोन, 18% है सैमसंग वाले, बाकी तो खैर फिर बहुत कम वोट्स मिले हैं आज का। ऐसे चलो आज छोड़ो, मैं मेरी बात करता हूँ तो मैं हाँ एप्पल भी ले लूंगा और सैमसंग भी ले लूंगा, सारे ले लेंगे यार, ट्राई करने में क्या जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आज का सवाल जो है वो कुछ ऐसा है कि क्या आपने आज तक कभी भी कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट किया है ऑनलाइन, यू नो क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, कहीं पे भी, बताना दोस्तों क्या आपको जवाब। सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले भैया इन्वेस्टमेंट्स को ही लेके, जहां पे भी दुबई में दोस्तों रियल एस्टेट कंपनी एक बहुत बड़ी धमाक। तो अभी बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह का ऑप्शन आ गया है एज अ पेमेंट, मतलब अगर बिटकॉइन पड़े हो तो जाके दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, धमाक पे पेमेंट कर दो बिटकॉइन से, और मतलब ये एकदम ऐसे फ्यूचरिस्टिक वाली अप्रोच होगी काफी ज्यादा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में लॉजिटेक का जी प्रो एक्स सुपर लाइट वायरलेस गेमिंग माउस आ गया इंडिया में भैया, 5 इसके अंदर बटन्स हैं, जो प्राइस है वो है 13,595 रुपये। मतलब गेमिंग वाले एक्सेसरीज है तो भैया बहुत महंगी ही मिलती हैं, तो फिलहाल के लिए ये इंडिया में आ गया है सुपर लाइट गेमिंग माउस लॉजिटेक की तरफ से। हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे इलॉन मस्क भैया रुकने का नाम ले ही रहे हैं, $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा है अभी, और यहाँ पे बोलते हैं अगला जो काम करना है वो है कोका कोला को खरीदने का। पता चला एक दिन कोका कोला भी खरीद ली, बचेगा क्या एप्पल बचेगा? एप्पल तो क्या दूर है अभी, बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, बट कम ऑन। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में, बिटकॉइन एटीएम जो है भैया उसको इंस्टॉल किया गया है मेक्सिको के सेनेट बिल्डिंग में, और भैया सेनेटर जो है वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये एक सिंबल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का और फ्रीडम का। तो आई मीन एटीएम होना बिटकॉइन का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दुबई में से गोल्ड एटीएम से जहाँ पे आप जाओ तो आप गोल्ड जो है उसको निकाल सकते हो सीधा एटीएम से, आप अपना कार्ड लगाओ पेमेंट करो तो सामने जो है वो अलग अलग टाइप के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स वगैरह बार्स वगैरह पड़े हो तो आप उनको सीधा एटीएम से निकाल सकते हो। 2-3 जगह पे है दुबई में तो अभी बिटकॉइन वाले एटीएम, क्या कुल बात है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में OnePlus ने लॉन्च कर दिया है अपना OnePlus 10R, साथ में उसको लॉन्च कर दिया है OnePlus ने अपने Nord सीरीज में Nord CE2 Lite 5G और OnePlus Nord Buds को, और अगेन दोस्तों यहाँ पे अपनी अपनी खूबियां लेके आते हैं फ़ोन, जहाँ पे 10R तो है 150 वॉट चार्जिंग वाला, साथ में जो हमारे पास में है CE2 Lite ये आता है 19,999 से स्टार्टिंग प्राइस में, तो ये भी अगेन काफ़ी एक्साइटिंग है, और फिर जो Nord Buds है वो हैं 2799 के। अभी एक के बाद एक लॉन्चेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और काफ़ी सारे नए नए प्रोडक्ट्स का हमको ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एप्पल को लेके, जहाँ पे भैया एप्पल ने एक रेंटल टूल किट अनवील कर दिया है, जहाँ पे अभी आप खुद जो अपना प्रोग्राम है ना उनका एप्पल का सेल्फ सर्विस वाला, जहाँ पे आप खुद अपने आईफोन्स को रिपेयर कर रहे हैं, अब टूल्स कहाँ से लेंगे तो एप्पल आपको टूल्स भी देगा रेंट पे, जहाँ पे दोस्तों रेंट जो है वो एक हफ्ते का कुछ 3,800 रुपये है। तो अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग ऐसे किट्स बना रखे हैं एप्पल ने, काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी से हैं, लेकिन आप खुद अगर चाहें तो अपना फ़ोन इन किट्स को यूज़ करते हुए रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे मोटोरोला लेके आ गया है अपना H30 Snapdragon 778G+ के साथ में, ये एक और कुछ एक नई चीज लगती है, जहां पे 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप भी है इसके अंदर, और देखते हैं इंडिया में किस प्राइस पे, बिकॉज इंडिया मेरे ख्याल से आना चाहिए ये अंडर 30,000 डेफिनेटली, और 25-28,000 की रेंज में आना चाहिए, और अगर आएगा उस रेंज में तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में अभी सोनी का Xperia 1 IV ये 11 मई को लगता है कि लॉन्च हो सकता है, जहाँ पे दोस्तों सोनी ने बता दिया है अपकमिंग जो है वो Xperia लॉन्च होने वाला है, और Xperia 1 IV जो स्मार्टफोन है वो लेके आ सकता है सोनी। अगेन ज़्यादा सेल्स तो करते होती नहीं है सोनी के फोन्स की, लेकिन अगेन फोन्स जो है वो काफ़ी अच्छे बना रहा है पिछले कुछ टाइम से सोनी। मेरा पीछे मन तो हुआ था कि मैं Xperia Pro i में अपनी सिम लगा लूँ,
बट वो मैंने बस लगाया है नहीं, बट देखते हैं इस बार क्या कुछ हमको नया मिलता है। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वावे एग्जीक्यूटिव्स को लेकर। भैया यहाँ पे मेट एक्सेस 2 के जो कलर ऑप्शंस हैं उनको टीज किया जा रहा है और बोलते हैं कि अब जो फोन की सप्लाई चेन है वो इंप्रूव हो गई है। वैसे बस अब गूगल वाला सिस्टम इंप्रूव नहीं हुआ ना यार, गूगल का तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दिक्कत है मेन की वावे के फोन में गूगल काम नहीं करता है और गूगल सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वैसे यार देखते हैं कि इस बार इस फोल्डिंग फोन में क्या कुछ हमको नया मिलेगा। यहाँ दोस्तों हमारे पास में Xiaomi 12 Lite 5G की लाइव इमेजेस आ गई हैं, जहाँ पे 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा होने वाला है और साथ में दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ और डिटेल्स जो है वो निकल के आ गई हैं। स्नैपड्रैगन 778G इसके अंदर होने वाला है। देखते हैं Xiaomi का ये 12 Lite इंडिया में कब तक हम देख पाते हैं, या क्या पता Xiaomi इंडिया में लॉन्च ही ना करे। यहाँ पर दोस्तों अगेन नेटफ्लिक्स जो है, जो नेटफ्लिक्स गेम्स की हम बातें कर रहे हैं ना, जो मतलब कैसे कर नेटफ्लिक्स डाउन जा रहा है अभी, लेकिन नेटफ्लिक्स जो है वो अपना गेम्स का जो कैटलॉग है वो और ज़्यादा गेम्स तक एक्सपैंड करने वाला है। साल के एंड तक 50 गेम्स हो जाएंगे, तो मतलब वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न रहेगा शायद कि कोई इंसान चाहे कि वो नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करे। हमारे पास दोस्तों वैसे टिकटॉक के बारे में खबर निकल के आती है, 2022 Q1 की दुनिया भर की सबसे ज़्यादा इंस्टॉल की जाने वाली ऐप कौन सी थी, क्या आप जानते हैं? टिकटॉक भैया इंडिया में तो बैन हो गया, वरना पता नहीं कहाँ 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 चला यार टिकटॉक आगे भाग भाग के। लेकिन 175 मिलियन डाउनलोड्स यार, बहुत बड़ा नंबर होता है। क्या आप टिकटॉक चाहते हैं वापस आने इंडिया में? बस तो अब यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील सब टिकटॉक ही बन गया है। नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। यहाँ दोस्तों हमारे पास में अभी BGMI के ड्रीम कोड्स वगैरह जो है वो आ गए 28 अप्रैल वाले, मतलब नए नए कोड्स आते रहते हैं गन्स केन्स और फ्री UC वगैरह के लिए। मतलब अभी गेम्स का भी सीन वैसे जो इंडिया में चल रहा था ना, उसको लेकर रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि इंडियन गेम्स जो हैं वो बहुत जल्दी शायद हमको नए नए देखने को मिलेंगे, यू नो, इंडियन थीम्स को प्रमोट करते हुए, इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हुए। देखते हैं फिर वो काम कब तक हो पाता है दोस्तों। बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।